सात लोगों की जो कमेटी बनी वो सभी भारतीयता से ओतप्रोत इस प्रकार के व्यक्ति थे, लेकिन एक अंदर की छिपी हुई बात जो कि आम आदमी नहीं जानते, लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री सारी पढ़नी शुरू की तो ध्यान में आई कि ये जो है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति वहाँ हुए डिस्कशन का निचोड़ इस रूप में संविधान लिख लेती तैयार कर लेती थी, और उसके बाद ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा वन मैन कमेटी को सौंपा जाता था। वो वन मैन कमेटी इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट करना है वो बिना किसी को दिखाए, उनको पूरा अधिकार रहता, वो ये करेंगे और फिर संविधान को पारित कर दिया जाएगा। वो वन मैन कमेटी और कोई नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए अंबेडकर के सारे किए हुए काम पर अंतिम कलम वो नेहरू जी चलाते थे, और उस पर क्या कलम चलाई गई है इसको ज़्यादा बताने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, सर्वोच्च पद पर थे। तो इस प्रकार से संविधान बना, उसमें जहाँ जहाँ भी भारतीयता का पुट लाने का प्रयास था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और जहाँ जहाँ उनकी मानसिकता, जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता उसके विपरीत कुछ होता है वहाँ उन्होंने उसको पहले ही अमेंड कर दिया। और फिर जब संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949, उसके बाद कुछ ही महीनों में 1951 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट नेहरू ने करवाया बिना ट्रायल के, मैंने संविधान को अपनाया भी नहीं गया, उस पर ट्रायल भी नहीं हुई, पहला चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट उन्होंने करवा दिया। और वो अमेंडमेंट जो था उसका लक्ष्य क्या था कि अभी हम सत्ता पर हैं, अगले चुनाव में वापिस हम ही सत्ता पर आए उसके लिए क्या क्या इसमें अड़चनें आ सकती है उसको दूर करना है। तो वो दूर करने के लिए अमेंडमेंट करवा कर उन्होंने पहला अमेंडमेंट वो करवा दिया। उसी समय से बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू, इनके मतभेद ये खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि अम्बेडकर जी चाहते थे कि हमने इतनी मेहनत से संविधान बनाया है और बिना ट्रायल किए, बिना उसका कोई अपना अवलंबन किए इन्होंने अमेंडमेंट भी करवा लिया, और लक्ष्य सीमित है, केवल वापिस सत्ता पर आना है, तो ये ठीक नहीं है। ये जब ठीक नहीं ऐसा कहा, तो जब चुनाव हुआ, चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जीत कर न आए इसकी रणनीति बनाई गई, और बम्बई से उनको हरा दिया गया। लेकिन उनकी अपनी प्रतिभा थी, कई लोग चाहते थे कि वो तो सदन में आने चाहिए, तो उच्च सदन में अर्थात राज्यसभा में उनको लाया गया मध्य प्रदेश से, और वो राज्यसभा में आने के बाद कानून मंत्री बने। कानून मंत्री बनने के बाद उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद वो कहने लगे कि मैं कानून मंत्री हूँ लेकिन सारे कानून तो इनके हाथ रखे हैं इन्होंने, कानून मंत्री करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए 1.5-2 वर्ष बाद उन्होंने वहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद देश भर में प्रवास करते हुए ये कहना शुरू किया उन्होंने कि जो हमें अंदेशा था वही हुआ है, संविधान गलत हाथों में जा चुका है, ये बहुत लचीला संविधान है हमने जो बनाया है, तो गलत हाथों में जाने से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और वही होने लगा है, इसलिए इस दुरुपयोग से बचाना है तो सत्ता पर योग्य व्यक्ति आए इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन अब सत्ता पर तो 5 वर्ष के लिए आ ही गए थे, इसलिए उनको बदलना तो संभव नहीं था। तब इन्होंने फिर ये भी कहना शुरू किया कि मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूं। तो उनसे फिर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया कि आप स्वयं इसके निर्माता हैं और आप कह रहे हैं कि इसको जला दूं, ऐसा क्यों? तो इस पर उनका बड़ा प्यारा उत्तर है, वो कहते हैं कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्तियाँ रखने के लिए बनाया उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति रखने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। तो उनका सीधा टारगेट जो था नेहरू थे कि नेहरू जी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए।